दोस्तों जीवन में दुखी हो, परेशान हो, अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहे हो तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना। हो सकता है आप भी इस दुख से, इस परेशानी से गुजर रहे हो, अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोच रहे हो और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपके आगे अंधेरा छा जाता है और आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हो। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए उन्हें आगे को रास्ता दिखाई नहीं देता और उसके लिए अपनी जिंदगी को खत्म करना ही अपना अंत चीज समझते हैं। एक महिला का उदाहरण देती हूँ। उनके हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पे है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे ही जानने वाले हैं तो वीडियो देखते हैं तो समझ तो जाते ही हैं। उन महिला ने क्या करा, उन्होंने मतलब अच्छे खासे हस्बैंड जॉब में उन्होंने कर्ज इतना ले लिया फालतू चीजों के लिए, कभी इधर से उधर घूमना उसके लिए कर्ज, और कभी बच्चे फालतू डिमांड कर रहे हैं उसके लिए कर्ज, कभी कुछ किसी को देना है क्योंकि ऐसे लोगों को लेने देने वाले, घसीटने वाले भी लोग पीछे उसके लिए कर्ज। मतलब वो महिला ने सैलरी आने से पहले ही इतना कर्ज ले लिया कि कर्ज के बोझ तले वो दब गई। उसके बाद एक का कर्ज तारने के लिए उसे दूसरे से लेना पड़ा, दूसरे का तारने के लिए तीसरे से लेना पड़ा, जबकि 85-90 हज़ार उसके हस्बैंड की सैलरी थी, लेकिन वो खुद कर्ज के बोझ तले इतनी दब गई कि उसको अब आगे पीछे नहीं सूझ रहा था। एक बार मेरे पास, मेरी बहुत अच्छी परिचित है, तो फर्ज बनता भाई जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो गलत काम न करे, गलत रास्ते पे न जाए, उन्हें हम थोड़ा सा समझा सके। कई बार समझाने की कोशिश करी लेकिन वो कुछ मोटिवेशन मिलता है बातों से, वो थोड़ी सी समझती है। जैसे हमारा ध्यान अब हटता है तो वो फिर उन्हीं चीजों में उतर जाती है, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटलिटी ही ऐसी होती है कि उनका नेगेटिव थ्रॉट हमेशा एक्टिव रहता है, उन्हें कितना भी समझा दो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन महिला की बेटी भी डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हो गई और वो खुद मानसिक रूप से इतनी बीमार हो गई कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि इससे हम निकल पाए, क्योंकि उनने कई इतने कर्ज ले चुके, उतनी सैलरी में वो शायद मैनेज नहीं कर पाए करने वाला। दोस्तों मैं कहती हूँ ना, जिंदगी में अगर आपके पास कोई रास्ते नहीं रहते, आपको लगता है हमने जो गलतियां कर दी अब हमारे पास आगे पीछे कोई रास्ता नहीं है, हमें अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हमेशा अगर किसी चीज, कोई समस्या है तो उसका समाधान पहले बनाता ऊपर वाला, जब तक समाधान नहीं होता समस्या नहीं आती है। वो हम दिल से मान चुके होते हैं कि इसको, ये समस्या नहीं जा सकती है, वो समस्या ही बनी रहती है। अगर हम मान लेते हैं समस्या ही नहीं है, उनको बिल्कुल अपने तरीके से सोचे तो वो समस्या नहीं रहती। कुछ लोग जीवन में ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि वो वहां पे मान चुके होते हैं कि अब हम इससे निकल नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी ना बड़ी अनमोल है और इसकी कीमत वही जानता है जो जिंदगी से प्यार करता है। कुछ लोग गलतियां 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 करते जाते हैं लेकिन उन गलतियों को सही करने का वो अपने आप को मौका नहीं देते और उन गलतियों के ऊपर गलतियां करते रहते हैं, जिससे मानसिक शारीरिक एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर उसी, अगर कोई उन्हें सही तरीके से समझाता है तो उनकी बातें उन्हें चुभने लगती है। इसलिए मैं हर उन भाई बहनों से पहली बात कहती हूँ, आप फ्री की सलाह किसी को मत दीजिए। अगर वो व्यक्ति आपका कितना करीबी हो, अगर वो दुख में है, अगर आप उसे सही राह दोगे तो उसे समझ नहीं आएगा, उसे वो एक ठोकर ही समझा सकती है। जब तक उसे ठोकर नहीं लगेगा ना, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि उस रास्ते पर चल रहा है, उसे पता होता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब है जो मुझे, मेरे लिए बुराई करते। वही उन मोहतरमा के साथ भी होता है, जब हर जगह से थक गई, उन्होंने अभी क्या करा, एक समूह से लोन लिया और वहां से वो पैसा जैसे ही आता उनको किसी ऐसे मद में खर्च कर दिया जहां नहीं करना चाहिए था फालतू का। और फिर जैसे ही उसका जो किस्त तो बनती रहती ना, उसकी किस्त तारते तारते उन्हें फिर बीच में दूसरे से लोन लेना पड़ा। गवर्नमेंट ने छोटे छोटे लोनिंग स्कीम कर रखे, इससे भी काफी लोग कर्ज में डूब रहे। तो उन मोहतरमा ने दूसरे समूह से लोन लिया, फिर उससे भी नहीं कंप्लीट हो पाया, उन्होंने ब्याज में पैसा उठाना शुरू कर दिया और इतनी बोझ में दब गई, वो इतनी कर्ज में दब गई कि वहां से शायद निकलना उनके लिए अब असंभव है। और हाँ, निकल सकती है अगर आए कायदे पे, और जानती हूँ मेरा वीडियो जरूर देख रही होंगी, क्योंकि अगर मैं उस तरीके से नहीं समझा सकती तो उम्मीद करती हूँ वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखोगे, क्योंकि किसी चीज़ का अंत नहीं होता है और किसी भी चीज़ का उदय भी होता है। हाँ बेटा अभी आ रही हूँ, किसी चीज़ का उदय भी होता है और वो हमारे ऊपर होता है। हम सोचते ना हम कर्ज लेते रहे, यहाँ से ले वहाँ दे, वहाँ से ले वहाँ दे, तो कभी नहीं खत्म होगा। उसके लिए आप एक शुरुआत कीजिए,
उनको मैंने बोला था आप शुरुआत कीजिए, और शुरुआत ये कीजिए कि आज से जो चीजें चल रही हैं बिल्कुल खत्म। दोस्तों अगर आप भी कर्ज के तले दबे हो और आप इससे निकलना चाहते हो तो 100% आप निकलोगे, जो मैं बताऊंगी अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं तो सबसे पहले आप अपने दिन के जो बुरे दिन आपके चल रहे हैं ना उसको वहीं पे एंड कर दीजिए, क्योंकि आप कहीं से ब्याज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसको खत्म कर दीजिए। क्योंकि जानते हैं ये आप जरूरी सोचेंगे कि कहना आसान होता करना नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बाद जो कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी ना उससे ज्यादा कठिन ये समय नहीं होगा, क्योंकि आप ये चीजें करते रहेंगे तो इसका अंत कहीं भी नहीं होगा, लास्ट में आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, वही चीज डिसीजन आप अपने लिए गलत ले लोगे। इसलिए कुछ भी करने से पहले उस चीज़ को स्टॉप कीजिए, जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ चल रही हैं उसके चलते आप गलत गलत चीज़ें कर रहे हो, उसको वहाँ पे रोक दीजिए एक दिन के लिए। किसी का कर्ज दे रहे हैं मान लीजिए, वो आपके पास करो आज मारा, नहीं आज हम नहीं कर सकते, आज के दिन हमें देना ही नहीं है, एक दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहले आप कर्ज लेना बंद कीजिए, जब तक आप लेना बंद नहीं करोगे आपके जीवन से परेशानियों का अंत नहीं होगा। और धीरे धीरे वो आप ये एक मिशन बना लीजिए, एक अपना जीवन का एक अंग बना लीजिए कि आज के बाद हमें लेना नहीं है, आपके जो फालतू खर्च है उसके लिए आप कसम खा लीजिए कि इसके अलावा हमें ये खर्च करना नहीं। जो आपके देनदार हैं आपकी जो सैलरी आती है उसमें से उनसे बोल दीजिए, अगर इकट्ठा देने वाला हम नहीं दे पाएंगे भाई आपको लीगल जो करना है कर लीजिए, क्योंकि जो कर्ज ब्याज देता है ना वो भी कानूनन गलत है, क्योंकि लोग 10% 20% में लोगों को फंसा देते हैं, फिर वो ब्याज तो ब्याज ही देते रह जाते हैं, मूल उनके सर पे चढ़ता रहता है और लोग ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, जो आपने बड़े बड़े कर्जे लिए हैं 10% 20% ब्याज में पैसा लिया, उसको धीरे धीरे आप तारिए, उनसे साफ शब्दों में बोल दीजिए भाई माफ करें क्योंकि मैं बहुत फंस चुकी हूँ, इससे आगे मेरी जिंदगी फिर खुद खतरे में पड़ जाएगी अगर आप मुझे प्रेशर देते हो और मैं इससे निकल नहीं पाऊंगी, इससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको ब्याज नहीं दे पाऊंगी जितना मैं दे पाई हूँ, उसके लिए माफ करें और मैं पहले आपका मूल तारूंगी, अगर हो सकेगा मैं उसका आपको तार दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर वो पर्सन आपको ब्याज में दे रहा है कानून का डर उसे भी रहेगा, आगे वो आपको परेशान नहीं करेगा और ये उम्मीद करेगा कि आपकी खुद की जिंदगी खतरे में है, उससे तो अच्छा है आप थोड़े थोड़े करके मुझे दें, तो आपको परेशान नहीं करेगा, उससे साफ शब्दों में बोल दीजिए अगर आप इकट्ठा मांग रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कानूनन जो चाहो कर लीजिए, क्योंकि कानूनन ब्याज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो चीजें वहां रुक जाएंगी। और आप दूसरा स्टेप जो आपने जो किस्त समूह किस्त लिए हैं तो उनका धीरे धीरे उसको पहले खत्म करिए, उससे पहले कोई भी ब्याज मत उठाइए अगर जिंदगी में निकलना चाहते हो आप। मैं जानती हूँ आपको हो गए कि कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिंदगी से मुश्किल कुछ नहीं होता, जहाँ आपके हालात खत्म हो जाते हैं आपकी जिंदगी खत्म होने के कगार पे आती है, वहां पे अगर आप एक शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी को मौका देते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपकी जिंदगी नष्ट हो रही ना, खत्म हो रही कर्ज की वजह से, लेकिन जरूरी है कि आप उससे उभरने का एक प्रयास तो कर सकते हैं, वो प्रयास आप तभी कर सकते हैं जब अपने आप को एक जगह खड़ा कर सकते हैं, और अगर अपने एक जगह टिके रहेंगे आप उन विचारों के उसमें नहीं घूमेंगे जहां आप फंस चुके वहां से निकल जाएंगे तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि इंसान का जो है ना लालच लोभ यही उन्हें परेशानियों में डालता है। हमारे पास पैसा आता हम सोचते हैं आज हम कुछ भी कर ले, और मान लीजिए महीने में हमारे एक बार सैलरी आती महीने का, हम 10 दिन में उड़ा दें, 20 दिन काटने का अगर नहीं सोचते तो वो 20 दिन बड़े कष्टकारी जाते हैं। इसलिए अपने जिंदगी के 10 दिन 5 दिन भले ही मुश्किलों में आपके जाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे 4 में लाइए, 3 में लाइए, 2 में लाइए और खत्म कर दीजिए, लेकिन उसको 20 से 20 ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि अच्छे दिनों की शुरुआत आप कर सकते हो, उसको धीरे धीरे मैनेज कर सकते हो। बकाया मैं जानती हूँ आप समझ चुके हो और मैं समझा भी चुकी हूँ आपको, आप नहीं समझे और मुझे जरूरी लगा इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऐसी मुसीबत सिर्फ आपकी नहीं है, कई लोगों की है जो इस तरीके के परेशानियों में फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी खतरे में, जरूरी है उनकी जिंदगी को बचाने का और शुरुआत करने का। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे ना दूसरा कोई नहीं आएगा, कोई अचानक तो नहीं आएगा लाखों रुपए आपकी झोली में डाल दो और आप अपने सारे कर्ज उतार दो और आज की बात आपकी जिंदगी सुधर जाए। अगर ऐसा कोई आ भी गया, मान लीजिए भगवान ने कोई करिश्मा कर दिया, तो आप अपने आदतों से बाहर नहीं आओगे ना, आपको लगेगा भगवान ने एक बार मदद कर दी तो शायद दूसरी बार भगवान हमारे और अच्छी मदद करना है, आप और गलतियां करोगे, इसलिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा जिससे आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां ना करो। जरूरी यही है कि अपनी जिंदगी को स्टॉप कर दीजिए वहां पर,
कुछ कमियों को जो आपकी मुश्किल है उसे समझिए, सोचिए, उसको सोच कर काम करिए। कर्ज ना ले हम जिंदगी में जब तक ये तरे नहीं, ये प्रण कर लीजिए कर्ज को उतारने का। जो लोग बोलते हैं ना कर्ज उतारने का तरीका, चुटकी में कर्ज चले जाए, सरसों जलाओ, राई जलाओ, ये करो वो करो, ये तमाम ढकोसले हैं। मैं नहीं मानती इन चीजों को, क्योंकि ये हमारे ही लिए है कर्ज। ऊपर वाले ने नहीं कहा हमसे कर्ज लो, किसी भगवान ने नहीं कहा, किसी चमत्कार नहीं हुआ कि हम कर्ज लें, क्योंकि हम ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, अपने को खतरे में हम डाल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय होगा भाई, राई सरसों जलाने से आपके कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी? मैं जानती हूँ कई बहनें, कई भाई हमारे ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं कि हम कर्ज से मुक्ति के उपाय, तो ऐसा कोई उपाय नहीं होता। सबसे पहले आपके माइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट होते हैं, उन्हें एक्टिव और बंद करना आपके हाथ में होता है। आप किस चीज़ को एक्टिव करो, किस चीज़ को नहीं करो, ये आपके हाथ में होता है। अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक कमेंट कर दें, ताकि आपके द्वारा हमें एक मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक सोशल वर्कर हूँ, महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। मेरे वीडियो पर प्यार बनाए, ताकि आगे और अच्छा मोटिवेशन आपको दे सकूं। और डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अपने जीवन बड़ा अनमोल है, इसे सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें। सभी भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें। सावन का महीना चल रहा है, सबकी झोलियाँ भगवान भोलेनाथ भरें, और ऐसे कर्ज से स्थितियों से आपके बचा के रखें। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद।